भाई मेरी ना हंसी नहीं रुक रही है। तीन बार वीडियो काट चुकी है। ये इंसल्ट करने पे तुम्हें कहते हैं, मेरे को आप लोगों से कहता है 1 मिलियन होता है 10 लाख और 1 बिलियन होता है 100 करोड़। हाँ इसने पता क्या किया, इसने कसम खा ली कि 1 मिलियन पे खाऊंगी। ये सोचते थे 1 मिलियन होता है 1 लाख। मुझे आप लोगों पे भरोसा था कि आप कम से कम शेयर कर दोगे, आप पंडित जी के पीछे पड़े रहते हो, ये इनको तो मैं देख लूंगी कि आप भाभी जी आप खाना, पंडित जी आप नाराज है, खुद खाते रहते हो, खिलाते नहीं होटल में, आप चुप रहो, आज मेरे को नाराजगी है इनसे, आप खुद खाते रहते हो और इनको नहीं खिलाते, तो मैं तो मैं खुद नहीं खाती थी, पंडित जी की हिम्मत है मुझे रोकने वो बिल्कुल भी नहीं। नहीं मैं मेरे को हंसी आ रही है, ये इसने ऐसा प्रण ले लिया भीष्म पितामह वाला, पूरा नहीं कर रहे 1 मिलियन का 10 लाख, अब 10 लाख कभी होंगे 4-5 साल तक। नहीं भाई मजाक की बात थी यार, देखो पता है इसने प्रण उसी हिसाब से लिया था कि हमारे ना हफ्ते 10 दिन में 7-8 दिन में 5,000 से 10,000 हो गए थे। एक दिन में 800-800 बढ़ रहे थे, 800-850 बढ़ रहे थे, तो 2-4 महीने में हो जाएंगे, पर आपने एंड ब्रेक खींच दिए। आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, मैं कह रही हूँ ना इनको तो मैं देख लूंगी, ये मुझे कैसे खाने से रोक सकते हैं अगर मुझे खाना होगा तो भाई। पर मैं इसको बोल रहा था एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है कल मोनी बाबा की, और मोनी बाबा के साथ हमने इतना मजा किया है ना, कोई इशू नहीं है, परमिशन वगैरह हमने उनसे ले ली थी, बातचीत हो गई थी, पूरा दिन हमने स्पेंड किया लगभग। और देखो मेरी बात कहने नहीं दे रहे हैं, चल तू वीडियो तो देख ही लेंगे भाई, प्लीज शेयर कर दो, अगर मेरे को केक खिलाना चाहते हो तो ये पता है, 1 लाख ही कर दो जल्दी से। मैंने कहा ना फोन बुक पे शेयर कर दो, और इस वाली शिकायत वाली वीडियो को शेयर मत करना। मैंने कहा कि अब सोच के अगर ये जो जिसमें तू बात कर रही है 2-4 मिनट की, पता नहीं कितने मिनट होने वाले हमसे बतलाने वाले हैं, अगर ये वाली वीडियो शेयर कर दी तो नया आदमी कहेगा मैं कैसे पागल आदमी। नहीं मैं सभी कह रही हूँ, ये बोल रहे थे, मैं सोच रही थी बैठ के भाई दूसरे वाली वीडियो शेयर करना, कभी ये वाली शेयर कर दो कि भाभी जी शिकायत कर रही है, बोलो भाई जो भाभी जी कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई आंटी कहता है, हाँ, और कोई सिस्टर बोलता है, कोई सिस्टर बोलता है, तो भाई प्लीज सुन लो भाई, सबको शेयर कर दो, अपने जितने जानने वालों को 10-10 जन, एक जना 10-10 को करोगे ना तो भी काफी रहेगा, आप कर ही नहीं रहे हो, पर आपको चिंता ही नहीं है कि आपकी भाभी केक खाए या भाई इसकी इसकी मैरिज एनिवर्सरी तक तो कर ही दो, कुछ उससे पहले इनका बर्थडे आ रहा है उससे पहले कर दो, 29 अक्टूबर को हो जाएंगे, 50 के हो जाओगे 29 अक्टूबर को 29 नवंबर को नहीं, वो गड़बड़ है, दो बर्थडे आते हैं, एक तो ओरिजिनल कागज वाला, कागज वाला तो है 29 नवंबर जो कि पासपोर्ट वगैरह हर जगह है, और पिछले करीबन लगभग 45 साल यानी 4-5 साल पहले तक है ना, दो नहीं आते इनके, हम 29 नवंबर ही समझते थे, फिर एक दिन अचानक है ना जन्म पत्री उठा के देख ली, मेरा जो बर्थ था वो शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन हम पैदा हुआ था मैं, शुक्रवार ही मैं भी, तो फिर उसमें जब जन्म पत्री में देखा यार उसमें अक्टूबर लिखा हुआ था, वो हिंदी उसमें लिखते थे ना, नहीं तीन आते हैं इनके जन्म, एक एकादशी को भी मनाते हैं, देव उठने की एकादशी होती है ना उस दिन भी होते, तीन होते हैं जो हिंदू रिलीजन में जब देव उठते हैं उस दिन भी हैप्पी बर्थडे बोला जाता है। जो एक्चुअल मेरा जन्म हुआ था शायद हुआ था 31 अक्टूबर 1971 एकादशी वाले दिन, तो ये जो डेट पढ़ रही थी, फिर हमने ना पुराने कैलेंडर में जाके देखा यार शुक्रवार तो लिखा है, बहुत पुराने हैं बाबा दब मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले थे तो उसमें हुआ भाई, आपको पता है यार पहले के समय में ना 1-2 महीने पहले ऐसे बोलते थे यार मेरी डेट ऑफ बर्थ का, अरे जब फलाने की भैंस ब्याई थी, अरे उसके जब लड़का हुआ था, अरे जब गांव में बहुत बारिश पड़ी थी, इस तरह से आदमी याद रखते थे, तो हम भी इतने पुराने तो नहीं थे, पर कुछ ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई कि उस समझने में ना 1-2 महीने का डिफरेंस आ गया, तो ओरिजिनल वो लिखी है पत्रे में वो है, अब देखो पता नहीं है कितनी टेक्निकली कानूनन, तो भाई हम 29 नवंबर 1972 को पैदा हुए मतलब कागजों में नहीं, हम सही मानेंगे, हम ऐसे नहीं, हम अपने रिवाज से चलते हैं, ठीक है 29 अक्टूबर को है, तो, और भाई बात घुमा रहे हैं अपने बर्थडे की चर्चा करने लगे हैं, तो तब तक कर दो 1 मिलियन तो मैं इसको यही बोल रहा था, मैंने कहा देखना कोई ना कोई है ना तेरे इसी वाले वीडियो को कर देगा, क्योंकि जो देखिए आप मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो मजाक वगैरह पसंद आ जाएगा, पर कोई नए आदमी के साथ ये भी वाला वीडियो भेज दिया, भाई कैसे कार्टून है ये
नहीं भाई हमारी फैमिली है, हम अपनी नहीं ये तो समझ जाएंगे, कर सकते हैं नए आदमी अगर हमारी कन्वर्सेशन सुनेगा तो कहेगा भाई कैसे उनको पता है कि हम कैसे हैं, तो भाई पता है हुआ हो क्या रहा है, मतलब दो चार लोग और डालेंगे, बहुत से लोग बोल रहे थे कि बार बार बस मैसेज आए कि शर्मा जी हम ना थोड़े दिवाली में बिजी हैं, तो मैंने कहा दिवाली में तुम बिजी हो तो यार हम भी बिजी हो जाते हैं। हाँ बोल रहे थे भाई साहब सॉरी अभी वीडियो नहीं देख पाएंगे दिवाली के, मैंने कहा भाई देख लेना पूरी वीडियो बाद में, बोले जब तुम वीडियो नहीं देखोगे तो हम बनाएंगे क्यों, फिर हम सोफे पे निपटा दिया करेंगे तुम्हें। नहीं मैं मेरी तो शिकायत थी तो मैंने अपनी फैमिली हमारी फैमिली है मैंने उनके सामने रख दी, देख यार इसकी बात माननी है करनी है कर दो, शर्मा जी शर्मा जी पे कोई असर नहीं पड़ता, आप कर दो तो बच्चा है नहीं कर दो तो ये तो हंस रहे थे आज काम वाली नहीं आई लेट आई वो आंटी लेट आई हमारी तो कह रहे मैं तो जा रहा हूँ दांत दिखा के सोने चले गए मुझे टेंशन की आंटी आएंगी कि नहीं आएंगी ये देखो ना मतलब इतनी हरामखोर हो रहता है कि हरामखोर हाँ ऐसे गुस्सा हो जाएंगे देखो। फिर पता है क्या एक ने बोला कि ये अपनी बीवी को हरामखोर बोलते हैं, यार देखो पता है हम ना दोस्तों की तरह रहते हैं, अब ये भी मेरे को हरामखोर बोल और जब ये बोलती है ये ना ऑन कैमरा नहीं बोलती पीछे से खूब बोलती है तो भाई देखिए प्यार मोहब्बत में ना हमारा चलता दोस्तों वाला व्यवहार है, वो जैसे वो ईश्वर और वो वाला सीन नहीं है कि भाई पति परमेश्वर है, परमेश्वर एक भाव होता है। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हूँ कहेंगे देख ले कितनी सेवा कर रही ना जब मुद्दा भटकाओ प्लीज आप शेयर कर दीजिए कम से कम एक जने 10-10 को 20-20 को शेयर करेंगे ना अपनी फोन बुक में भी शेयर कर दो कितनी बार बोला भाई। नहीं पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है देखिए अब आप सब जानते नजर लग जाती है नहीं थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की यार थोड़ी सी तो पहले से ठीक करी है, अब मेहनत भी करे हमें थोड़ी एडिटिंग भी आ गई है, हालांकि मेरा वो बुड्ढा लैपटॉप वैसा का वैसा उसकी वजह से ना बहुत टाइम लगता है, ये बाबा आदम के जमाने के है ये इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे, ये बहुत टाइम लगाते हैं, ये मेरे से भी ज्यादा शॉपिंग में टाइम लगाते हैं, मैं तो 2 मिनट में जाके कर लाऊंगी, इनको 4-5 दिन 1 हफ्ता 2-2 महीने लग जाते हैं। वैसे ये परेशान हो जाती है मेरे को अगर एक शर्ट या एक टी शर्ट लेनी पूरा दिन लगाएंगे तो कम से कम 3-4-5 घंटे चाहिए, और उसमें पता क्या करता हूँ मैं शोरूम में छांटता रहूंगा। शेयर कर दीजिए ये तो बातें इनकी खत्म नहीं होंगी जो मैं यही वाली ऐसा करो यही वाली शेयर कर दो जो बच्चे कुछ भी छोड़ के हो जाएंगे नहीं भागेगा कोई इतना तो मुझे विश्वास है ठीक है ना वो अपनी फैमिली की बातें हमने शेयर कर तो भाई 7 मिनट 22 सेकंड हो गए 2.5 मिनट और बतला दे पूरा 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा तो चलो मैं अपनी ना शॉपिंग की कहानी सुनाता हूँ, मैं पहली बात तो एक जैसे मान लो मेरे को टी शर्ट है ना पसंद नहीं आती नॉर्मली तो 3-4 शोरूम में जाऊँगा मैं, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद 2 शोरूम में पसंद नहीं है, फिर 1 शोरूम में 5-6 ट्राई करूंगा उसमें से 2 या 3 ले लूंगा कि भाई अब चलते रहते और कुछ मिला तो लास्ट में कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं तीनों के तीनों काउंटर पर आते आते छोड़ गया। हाँ, ऐसे करते हैं यार मजा नहीं आ रहा कोई सी में, वरना फिर बड़ी मुश्किल से 1-8 टी शर्ट ले पाता हूँ क्योंकि मेरे को कम्फर्ट जब तक नहीं मिलता ना यार कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैं अब जो ये वाली टी शर्ट भी ली है ये कहाँ से ली थी हमने थाईलैंड से ली थी, एक ऑस्ट्रेलिया से ली थी, वो ये कंफर्टेबल नहीं है, मैं जल्दबाजी की वजह जल्दबाजी में कभी फ्लाइट पकड़नी है कभी कुछ ले ली प्रॉपर मैं पहन के नहीं देखी और अब मैं पहनता ये ही इतनी टी शर्ट की ऐसी बात कर देंगे मेरी बिल्कुल बात याद नहीं रहेगी, फिर वो शेयर नहीं करेंगे वो मतलब अपनी जो हमारी मेरी जो प्रॉब्लम थी ना मेरा जो नाराजगी थी आज मैंने रख दिया। यार देखिए एक चीज और आपसे बात कर रही ठीक है यार बात कर ही रहे हैं सीरियस मुद्दे पे, जैसे हमने सॉक्स का आपको बताया है ना सॉक्स का, इसी से रिलेटेड हमारे पास कई एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ आपको ना डिटेल में बताऊँ। देखिए मेरी मदर के जब घुटने खराब हो गए थे ना उनका स्पेशल ऑपरेशन बोल दिया था, पूरी डिटेल में बताऊंगा वो कैसे ठीक हुई क्या क्या उन्होंने किया क्या खाया क्या नहीं खाया वो सारा बताने के लिए एक दो और एक्सपीरियंस है। जब मेरी बेटी इंजर्ड हो जाती थी कि टेनिस खेलते खेलते ना कई बार इंजर्ड हो गई वो, तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के देखिए क्योंकि हमने तो पैसा फूंक ही दिया, मेरी भी सेकंड स्टेज थी आर्थराइटिस मतलब इसकी आर्थराइटिस की स्टेज थी और मदर की थर्ड थी, दोनों का आर्थराइटिस अभी तक ठीक हुआ है कोई दिक्कत नहीं है भगवान, जैसा आपने देखा है हम ये कितना चलती है और मेरी मदर भी चलती है जो मतलब ऐसे उठ भी नहीं पाती थी। दूसरा हो गया एक इंजरी जो बहुत होती है किसी की कमर में दर्द हो जाता है कुछ है, जो खेलते खेलते गिर जाते हैं वैसे गिर जाते हैं, तो इस तरह के कुछ 2-3 मुद्दे हैं जिन पे हमारे को काफ़ी डीप एक्सपीरियंस हमने लिया है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि जब आपका बच्चा इतने अपनी हमने औकात से ज़्यादा बढ़ के उसको टेनिस खिलाया
खेलते खेलते ना हमारे को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। अगर वो चाहते हैं कि आप भाई एक एक टॉपिक को एक एक दिन में निपटाएंगे उसको तो, कमेंट ना दूसरे उसमें करना, अभी तो ये दूसरी मेरी कमेंट मेरी बात का जवाब देंगे भाई, अभी कमेंट मत करना उस बात का। चलो एक बार इसकी 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 बता देना किस किस ने शेयर करा है ये वाला वीडियो, हाँ किस किस ने शेयर किया, ये नहीं ये वाला नहीं दूसरे वाले कौन से वाले करने और भी बहुत है मेरे, बहुत सारे भाई हैं। मसूरी की सीरीज शेयर कर दो, बसेरा शेयर कर दो, जो जो आपको अच्छा लगे इसको छोड़ के 112-13 वीडियो शिकायत वाले को छोड़ के बाकी कोई से भी शेयर कर दो। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, 10 मिनट 30 सेकंड का वीडियो हमने सोफे पे निपटा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दूसरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इसको नहीं। और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा वीडियो पसंद है और आपने कितने लोगों को शेयर किया। हाँ ये प्लीज, हाँ ये ना ये बताइए, ये वाला वीडियो नहीं दूसरे वाला। और प्लीज मेरे केक का ध्यान रख लीजिए, मेरी भी चिंता करिए, दिवाली आ रही है कुछ खा पी लूंगी। दिवाली तक तो देखो तो होना चाहिए, दिवाली तक तो सिर्फ महादेव अगर बोल देना तथास्तु तब कुछ हो सकता है, वरना मेरे को नहीं लग रहा कि 50,000 भी होंगे 1 मिलियन की तो बात दूर है। तो भाई कोई नहीं, बात नहीं यार, विश्वास है अपने पे। नहीं नहीं देखिए वीडियो इसलिए बनाया, इसलिए बनाया यार, कई लोग देखिए बहुत सो को तो पसंद नहीं आता, समय बिजी है उनका, बहुत सारे बोल रहे कि शर्मा जी कुछ डाल दिया करो, बातचीत कम से कम बातचीत ही कर लिया करो, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर जाने के लिए अब जाएंगे वो क्यों नाम कौन सा है मोनी बाबा की गुफा में जो हमने समय व्यतीत किया, उसके बारे में एक वीडियो है, उसको क्लोज करना है, वो निपटा के मिलते हैं आपको मोनी बाबा वाली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव, और दूसरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कितने लोगों को शेयर किया, ठीक है। चलो बताओ भैया, जिसने अपने ऐसे लिख के देगा ना 800 लोगों को शेयर किया, 500 लोगों को शेयर किया, 1000 लोग, जो टॉप के 5 लोग लिखेंगे ना कि मैंने इतने लोगों को शेयर किया, उनका हम किसी अगले वीडियो में नाम ले देंगे। ठीक है, ये तो मतलब भीख ही मांग रहे हो शर्मा कतई कतई बुक में शेयर करना था ना पहले, बोला था तो इतने बढ़िया फोन बुक में शेयर किया था सबने। मीठा खाना है, दिवाली आ रही है। चलो भाई हर हर गंगे।